नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शर्मा, अशोक अनुराग चौधरी हिमाचल प्रदेश से। और मेरे बहुत से दर्शकों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि लीकेज पे एक वीडियो बनाओ। दोस्तों मैं आज एक लीकेज पे, जो आपके पावर वीडियो की गियर में लीकेज आती है, बहुत सी जगह पे लीकेज आती है, तो उसके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, इन लीकेज को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं, हमें सबसे पहले जो काम करना है वो है इसका जो गियर ऑयल है वो ड्रेन करना है। तो आपको पता है, मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है गियर ऑयल कहाँ से निकलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे जो इसकी चेसी के नीचे जो एक ड्रेन नट होता है, वहाँ से गियर ऑयल ड्रेन करने के बाद इस नट को वापस चढ़ा दें। और इसके बाद जो है इस नट को अच्छे से कस लें ताकि गियर ऑयल हम डालें तो लीकेज नहीं हो, बाद में लीकेज ना हो। दोस्तों इसके बाद जो हमारे मडगार्ड है पावर वीडर के, वो हमें खोलने हैं। इसमें देखिए नट होते हैं वैसे तो, लेकिन इस बंदे ने जुगाड़ करके ये तार वगैरह लगा रखे हैं, तो हम इन तारों को निकाल रहे हैं। वैसे यहाँ पे नट बोल्ट होते हैं, 10 नंबर के नट बोल्ट होते हैं, वो सारे निकालने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमने तारे थी लगी हुई वो काट दी है, और ये देखिए मडगार्ड जो है निकल गए हैं। दोस्तों अब इसके बाद आपको जो काम करना है, अब इसके बाद जो है आपको ये देखिए, एक बार नज़र मार लीजिए, ये जो यहाँ से लीकेज होती है इस जगह से, इसी के रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये दो नट जो है इंजन के, और ये दूसरी साइड भी है, इनको हमें खोलना है। तो देखिए दोस्तों, इन नट को खोल रहे हैं, और इसको खोलने के बाद जो है बम्पर जो है वो बाहर आ जाएगा। और इसके बाद हमने जो है इसके दूसरी तरफ के नट खोलने हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका जो बम्पर है टूटा हुआ है, तो बम्पर दो ही नट से खुल गया, लेकिन ऐसे चारों नट खोलेंगे तभी बम्पर निकलेगा, ऐसे बम्पर नहीं निकलेगा। और देखिए दोस्तों, इसको निकालने के बाद आपने क्या काम करना है, इन नट को खोलने के बाद पीछे चार नट होते हैं इंजन को जो गियर से जुड़वाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे वाले चार नट हैं, इनको हमें खोलना है। इसमें 17 नंबर स्पैनर लगता है, आगे जो बम्पर वाले नट थे उनमें भी 17 नंबर का ही स्पैनर लगता है, और इनमें भी स्पैनर 17 नंबर ही लगता है। दोस्तों देखिए, ये दो नट, और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह के दो नट हैं, हमें वो नट भी खोलने हैं और ये नट भी खोलने हैं। इसके बाद जो है हमारा इंजन जो है वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये एक नट खुल चुका है, और ये अब दूसरा नट भी खुल गया है। ये इन नट में दोस्तों फ़र्क होता है, इसको खोलते बार ध्यान रखें, जो ऊपर वाला नट होता है वो थोड़ा लंबा होता है, और जो नीचे वाला नट होता है वो थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप एक बार खोलती बार ध्यान दें, गौर से देखते रहें, हर नट को अलग अलग रखें, जो जो जहाँ का नट है वो वहीं वहीं रखें अलग अलग से, क्योंकि अगर आप सब नट्स को इकट्ठा कर देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा नट कहाँ का है। तो एक बार खोलती बार ध्यान से नट ध्यान दें, नट कहाँ कहाँ से खोल रहे हैं, और वापस वहीं पर फिट करना है। दोस्तों अगर आपको पता ना लगे तो एक बार खोलने से पहले हर चीज़ का एक बार फ़ोटो लेते रहें। ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद जो है तार, जो इसमें एक एक्सीलेटर वायर है और एक इमरजेंसी स्टॉप की वायर है, तो हम पहले एक्सीलेटर वायर को खोलेंगे, उसके बाद जो है इसकी इमरजेंसी स्टॉप की जो वायर है उसे खोलेंगे। ये दोनों वायर को हमने खोलना है। तो दोस्तों एक्सीलेटर वायर जो है वो खुल चुकी है, और अब जो है इमरजेंसी स्टॉप की वायर जो है वो हमने खोलनी है। तो दोस्तों इसी तरह से पावर वीडर में देख लीजिए, इंजन के साथ जो जो अटैच हो वो सब कुछ हमें गियर से अलग करने के लिए उसे खोलना पड़ेगा। वैसे अगर आप इस तार को नहीं खोलना चाहें तो नहीं भी खोल सकते हैं, इंजन साथ में ही रखना पड़ेगा आपको चिपका करके, लेकिन अगर आपको इंजन थोड़ा साइड में रखना है तो आपको ये तार जो है वो खोलनी पड़ेगी। दोस्तों देखिए, ये अब जो इमरजेंसी स्टॉप की वायर है वो भी खुल चुकी है। अब जो है, अब पेचकस के साथ हथौड़ा लेकर के हम इसके कॉर्नर जो में देखिए, इंजन और गियर का जो बीच वाला जॉइंट है वहाँ पे पेचकस लगा करके हथौड़े से एक दो बार मारेंगे तो ये इंजन जो है वो अलग हो जाएगा गियर से। दोस्तों देखिए, अब हम इंजन को आगे की तरफ को खींचेंगे तो ये इंजन जो है गियर से अलग हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इंजन जो है गियर से अलग हो गया है। दोस्तों अब हमें इंजन जो है साइड में रखना पड़ेगा, तो ये देखिए हमने उठा करके इसको साइड में रख देना है। अब दोस्तों हमने गियर की तरफ नज़र मारनी है। ये देखिए, ये जो है क्लच का कटोरा है, उसके बाद वो सामने जो दिख रही है वो है क्लच प्लेट। तो दोस्तों अब हमें क्लच प्लेट जो है वो खोलनी है, तो उसके लिए हमें पेचकस चाहिए, और ये हम टी गोटी ले रहे हैं,
इसके साथ हम देखिए इसको खोल देंगे। अगर आपके पास स्टील रोटी नहीं है तो आप स्पैनर का यूज़ कर सकते हैं, रिंग स्पैनर का पाड़ने का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये नट जो है वो खुल चुका है। दोस्तों अब एक बैरिंग है, ये देखिए क्लच बैरिंग, उसे निकालना है। ये देखिए इस तरह से हम करके क्लच रोड पे अगर ऐसे हथौड़े से मारेंगे तो ये आगे की तरफ को धक्का देगी क्लच प्लेट को, और ये क्लच प्लेट अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, तो हमें अपना जोर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये क्लच प्लेट जो है बाहर आ गई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो है इसकी जो गियर की शाफ्ट है वो निकालनी है। ये देखिए ये है अंदर से गियर, तो हमें इसके लिए देखिए ये गियर की वायर है, ये भी खोलने पड़ेगी क्योंकि गियर के इस साइड से भी लीकेज है और क्लच की वायर जो है उस वहाँ से भी लीकेज है और ये गियर की साइड भी लीकेज है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक लॉक होता है। अगर दोस्तों आपके पास, हमारे पास तो ये लॉक खोलने वाला स्पैनर पाना है, अगर आपके पास नहीं हो ये तो आप एक पेचकस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके साथ भी धक्का दे करके इस लॉक को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने जो है लॉक को खोलना है। सबसे पहले ये जो लॉक है ये देखिए बाहर आ गया है। अब जो है हम इस इसके बीच में जो एक क्लच का यू होता है उसको हाथ से पकड़ के अंदर एक पिन होता है उसको निकालेंगे और क्लच यू फिर बाहर आ जाएगा और हम क्लच शाफ्ट को धक्का दे करके खींच सकते हैं। ये देखिए क्लच यू का पिन निकाल दिया है और अब ये क्लच शाफ्ट हमने बाहर निकाल दी है। और ये देखिए दोस्तों अब क्लच यू निकालेंगे हम इसका। ये देखिए ये हमारा क्लच यू जो है ये बाहर आ गया है। और इसके बाद हम देखेंगे अंदर कि हमें गियर शाफ्ट निकालनी है, तो हमें इसकी मेन शाफ्ट जो है वो खोलने पड़ेगी। ये मेन शाफ्ट है इसकी जो सामने दिख रही है आगे को डंडा, वो मेन शाफ्ट है इसकी। तो दोस्तों अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसका जो पीटीओ है, पीछे पीटीओ होता है, वो पीटीओ शाफ्ट जो है वो खोलने पड़ेगी। तो दोस्तों पहले हम गियर का निकाल लेते हैं। ये देखिए गियर का हमने इससे अलग कर दिया है, ये गियर हमने इस गियर शाफ्ट से अलग कर दिया है। और ये देखिए अब हम पीटीओ जो है पीटीओ को खोलेंगे। तो पीटीओ के बाहर जो कवर लगा होता है दोस्तों हमें सबसे पहले वो खोलना है। इसमें चारों नट खोलने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए ये है गियर की रोड और ये रिंग जो है ब्लैक रिंग ये घस जाते हैं। इसमें दो रिंग होते हैं, ये देखिए एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, ये हमें चेंज करने हैं। तो दोस्तों ये देखिए अब पीटीओ शाफ्ट खोलने के लिए हमें दो नट ढीले करने हैं, सिर्फ पूरा खोलने की इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रोटेट कर करके रोटेट करनी है हमें एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा, और ये देखिए बाहर आ जाती है ये। अब इसके बाद दोस्तों हमें ये जो शाफ्ट है ये निकालनी है, तो इसके लिए हम पेचकस लगा लेते हैं साइड में। और ये देखिए अब जोर डाल करके इसको झटका देना पड़ेगा एकदम से, क्योंकि अगर इसको बार बार घुमाएंगे हम तो ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसके बाद ये देखिए हमने खोल देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक लॉक लगा होता है, उस लॉक को पहले हमें खोलना है, उसके बाद चेकनट जो है वो धीरे धीरे हथौड़ा पेचकस मार मार के खुलेगा। तो देखिए लॉक हमने खोल दिया है, उसके बाद हमें जो ये चेकनट है उसे पेचकस के साथ हथौड़ा मार करके इसे खोलना है। इसको खोलने का दोस्तों यही तरीका है। तो आप इस तरह से पेचकस से मार करके ढीला कर लें और फिर हाथ से इसको गोल गोल घुमा करके इसे बाहर निकाल लें। तो दोस्तों नट हमने निकाल दिया है और अब हमें इस शाफ्ट को आगे को धक्का देना है और ये शाफ्ट जो है आगे की तरफ को बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों आप इसे धक्का देंगे और आप देख सकते हैं ये शाफ्ट जो है ये बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों ये शाफ्ट बाहर आने ही वाली है। देखिए ये शाफ्ट जो है ये बाहर आ गई है। तो दोस्तों ये शाफ्ट बाहर आने के बाद अब हमें जो है इसका गियर का जो गियर की जो शाफ्ट है अंदर वाली वो हमें बाहर निकालनी है, और उसमें जो मेनली उसी में लीकेज आती है दोस्तों, यहाँ से ही मेनली लीक करता है। तो हमें ये शाफ्ट का बाहर वाला जो है इसे निकालना है। तो इसमें पिन लगा होता है दोस्तों, ये पिन भी काफ़ी बार टूट जाता है, आपने नोटिस किया होगा। ये देखिए ये पिन निकाल दिया, अब इसको अंदर को धक्का दे करके हम इसे बाहर निकाल देंगे। दोस्तों ये जो है वो निकल गया है, ये देखिए ये होता है वो जिसकी वजह से लीकेज होती है। दोस्तों इसमें दो आपको रिंग दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए ये दो रिंग जो है इनमें हल्के हल्के कट पड़ जाते हैं, घस जाते हैं, ये उस वजह से लीकेज बाहर आना शुरू हो जाती है। ये देखिए ये रिंग और ये रिंग, ये दो रिंग है जिनकी वजह से लीकेज आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों हमें ये दो रिंग जो है ये चेंज करने हैं। ये देखिए हमें इस तरह से ये रिंग जो है बाहर निकालने हैं, इस तरह से दोस्तों ये रिंग बाहर निकल जाएंगे, ये एक रिंग और ये अंदर वाला रिंग। किसी नोकीली चीज़ के साथ आप इसको ऐसे
कर करके निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा रिंग अब निकल रहा है। ये देखिए, ये दूसरा रिंग अब बाहर आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा रिंग भी बाहर आ गया। आप इसी तरह से ये दो रिंग भी बाहर निकाल दें, सेम प्रोसीजर है, किसी नोकीली चीज़ के साथ इनको बाहर निकालें। और इनको ये देखिए, अब बिना रिंग के है ये। अब इसमें हमें रिंग डालने हैं। ये देखिए दोस्तों, चेक कर लें रिंग पूरा बराबर बैठे और इसमें गैप ना रहे। और एक बार अंदर घुसा करके भी चेक कर लें इसको रिंग डालने के बाद, क्योंकि ढंग से चेक करना पड़ता है। अगर रिंग छोटा बड़ा होगा, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये जो है ये रिंग जाम हो जाएगी शाफ्ट। ये देखिए, अभी इसको देखना पड़ रहा है कि बराबर है कि नहीं है, पूरा बराबर होना चाहिए। वो देखिए, अंदर डाल के भी देख लें एक बार प्रॉपर से हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, क्योंकि अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो आपका गियर लगने में प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा बड़ा होगा तो जल्दी कटने का खतरा बना रहेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल इसी के साइज़ का रिंग होना चाहिए, छोटा बड़ा होगा तो आपको दिक्कत देगा। दोस्तों, अब इसे देखिए अंदर डाल देंगे नए रिंग को। ये देखिए दोस्तों, छोटी सी चीज़ है लेकिन लीकेज दूर करने के लिए हमें पूरा का पूरा जो गियर है वो खोलना पड़ता है। ऐसे देखने में बाहर लगता है कि थोड़ी सी लीकेज है, लेकिन अगर इस लीकेज दूर करनी है तो इसके लिए पूरा गियर जो है हमें खोलना पड़ता है, तभी ये लीकेज दूर होती है। तो दोस्तों, अब हमें जो है ये चीज़ें वापस फिट करनी है। ये देखिए, हमने अंदर से ये घुसा दिया है और इसमें एक गुल्ली जैसी लगती है जो कि मेन शाफ्ट को घुमाती है। ये देखिए, वो भी हमने फिट कर दी है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस तरह से खोलें उसी तरह से फिट करें। हर चीज़ को ध्यान से देखें किस तरह से हमने खोली है। हर चीज़ को खोलने से पहले एक बार फ़ोटो ले लें, क्योंकि दोस्तों फ़ोटो, हम किसी भी चीज़ को पहली बार खोलते हैं तो हम उसके लिए परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। बार बार खोलने से ही परफेक्शन आती है, हर चीज़ का पता तभी लगता है। तो अगर किसी भी नई चीज़ को खोलें तो ध्यान से खोलें, देख के खोलें, और अगर जो चीज़ मतलब लगे कि हम भूल सकते हैं उस चीज़ का फ़ोटो ले लें। ये देखिए, हमने अब ये जो क्लच का बाहर वाली रोड है उसे इसे लॉक कर दिया है। और दोस्तों, अंदर से देखिए, मेन शाफ्ट में भी प्रॉपर बैठना चाहिए जो गियर की रोड है, क्योंकि ये मेन शाफ्ट को आगे पीछे को धक्का देती है। तो ये देखिए, इसको हिला करके देख लें कि आगे पीछे काम कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों, ये प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इसको धक्का दे करके हम पीछे तक ले जाएंगे ताकि जो है इसमें जो है चेकनट लग जाए। दोस्तों, अब चेकनट लगाने के लिए हम इसको धक्का दे रहे हैं ताकि चेकनट जो है, चूड़ियां जो है चेकनट की, वो बाहर आ जाए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये क्लच यू जो है, अब ये क्लच का जो रोड है उसे हमें फिट करना है। इसको हल्का सा धक्का दे करके जो है उसे, दोस्तों अब क्लच की शाफ्ट हमें फिट जो करनी है उसमें देखना है कि क्लच यू किस तरह से फिट करना है। ये क्लच यू भी हम नए डाल रहे हैं क्योंकि वो घस गया था। तो दोस्तों देखिए, इस शाफ्ट के बीच से क्लच यू डालना है, उसके बाद इस शाफ्ट को धक्का देना है और धक्का देके दूसरी तरफ से निकाल देना है। क्लच यू जब अंदर से फिट हो जाएगा तो उसके बाद जो पिन है उसको भी हमें फिट करना है। इसमें मैं अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी इस तरफ से, अंदर की तरफ से नहीं दिखा सकता। हाथ डालने के लिए अंदर बहुत कंजेस्टेड है। तो आपने जिस तरह से खोला होगा उसे, एक पिन होता है अंदर, क्लच यू लगने के बाद एक छेद होगा, उस छेद से मिला करके उसे फिट कर लें। और देखिए दोस्तों, हमने क्लच प्लेट जो है वो भी डाल दी है, और क्लच प्लेट के बाद हमने क्लच बैरिंग जो है वो, इसे देखिए, बैरिंग को हल्का हल्का मार करके पूरे उसके लेवल तक ले जाना है। उसके बाद जो है हमने नट जो है वो लगाना है। तो दोस्तों ये देखिए, नट जो है वो हमने कस देना है, फिर से पेचकस लगा करके इस नट को उसी तरह से अच्छी तरह कस लेना है ताकि ये क्लच प्लेट जो है उसे वो खुल ना जाए, उसका खुलने का कोई खतरा ना बना रहे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, हमारा जो क्लच प्लेट है वो अच्छे से फिट हो गई है, हमने पूरी तरह से कस दी है। तो दोस्तों आप जो हैं इस एनामोन ट्यूब का यूज़ करें। ये जो है गैस्केट मेकर ट्यूब होती है, इससे लीकेज का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। अगर आपका जैन भी हल्का फुल्का फट गया हो तो इसमें कवर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम इंजन को उठाएंगे और इंजन को वापस उसी तरह से फिट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसे फिट करते बार ध्यान रखें, ये आराम से फिट नहीं होता है, इसमें आप रस्सी खींचे बार बार और उसके बाद ये आराम से बिठा लें। दोस्तों अब जिस तरह से हमने जो जो नट खोले थे वो नट उसी तरह से फिट करने हैं। अभी पहले यहाँ पे तार थी, अब हम यहाँ पे नट लगा रहे हैं, तारे नहीं लगाएंगे।
और दोस्तों जो जिस तरह से नट आपने खोले हैं उस तरह से एडजस्ट करें। और ये देखिए, ये जो एक्सीलेटर की वायर हमने खोली थी और एमरजेंसी स्टॉप की, वो हमने अब कस लेनी है। पहले एक्सीलेटर की वायर हम कस रहे हैं, तो दोस्तों इसको कस लें। अगर आपको ये कसने नहीं आती हैं तो मैंने इसकी भी वीडियोस बनाई हैं, एक्सीलेटर वायर कैसे कसें और एमरजेंसी स्टॉप वायर कैसे कसें, आप वहाँ जा करके डीपली देख सकते हैं कैसे एडजस्टमेंट करनी है इसकी। वीडियोस मैं लिंक पे डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लें लिंक को। आप देख सकते हैं, आप पेचकस के साथ अच्छे से इसे कस लें ताकि इसका ढीला होने का खतरा ना बना रहे। अगर ये ढीली रह जाएगी तो स्टार्टिंग में आपके वीडर में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों इसी तरह से देखिए, अब जो हमारे पीछे पीटीओ शाफ्ट है उसका जो लॉक है वो भी लगाना है। और जो जो चीज़ दोस्तों खोली है हमने वो वैसे वैसे फिट करनी है। मैं कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए नॉलेज के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने खोला है, उसी तरह से हमने फ़िट करना है। जो जो नट खोले हैं दोस्तों, ये कॉमन सी बात है, जो जो नट हमने खोले हैं वो नट उसी तरह से, जो जो लॉक हमने खोले हैं उसी तरह से ये फ़िट करने हैं। आप सब चीज़ों का फ़ोटो लेकर रखें, जो जो आपको लगता है कि हम बोल सकते हैं उन चीज़ों का फ़ोटो लेकर के आप इसे याद रख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे फ़िट करना है। और दोस्तों इसका ध्यान रखें कि गियर ऑयल भी डालना है हमने इसमें, मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, गियर ऑयल नया डालें। और ये देखिए, चेक नट लगाने के बाद जो लॉक है वो अच्छे से कस लें। इसमें दोस्तों 2 लीटर के आसपास गियर ऑयल आता है, 2-2.5 लीटर, कई वीडर में 2.5 लीटर भी आता है, 2 से 2.5 लीटर के बीच में वीडर आता है, गेज दी होती है, वहाँ से गियर ऑयल नया डालें हर बार, क्योंकि अंदर टूट फूट का जो कचरा होता है वो रह जाता है गियर ऑयल में। तो अगर आपके अंदर कोई तोड़ फोड़ हुई है तो उसका लोहे का कचरा नहीं आना चाहिए गरारियों में, गरारियाँ ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए हम जो है गियर ऑयल है, जब भी गियर बॉक्स खुलवाएँ तो नया ही गियर ऑयल डालें। दोस्तों देखिए, ये पीटीओ शाफ्ट का जो नट है वो हमने अब कसना है, अच्छे से इसे कस लें। और उसके बाद दोस्तों जो इसका बाहर वाला कवर है उसे चढ़ा दें। ये देखिए, अच्छे से कस दिया है हमने ये, अब जो इसका बाहर वाला कवर जो है वो हमने अच्छे से चढ़ा देना है। और गियर वगैरह की जो रोड है वो अच्छे से फिट कर लेनी है दोस्तों, जैसे जैसे हमने जो जो खोला है उसे उसी तरह से हमने वापस फिट करना है। तो दोस्तों आपको लग ही गया होगा पता किस तरह से ये ओरिंग फिट करते हैं और कैसे कैसे ये सब कुछ खोलते हैं, कैसे कैसे फिट करते हैं और कितने छोटे से ओरिंग की वजह से हमें लीकेज दूर करने के लिए पूरा का पूरा गेयरबॉक्स खोलना पड़ता है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया कि लीकेज को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद, और मेरे चैनल अशोक ऑटोमोबाइल जोंगरा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी और भी वीडियो देखने के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और किसी भी टाइप की मशीन लेने के लिए अशोक ऑटोमोबाइल जोंगरा 9857624835 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।